बल्कि बैक टू माई चैनल। तो आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से बस में मैं कहाँ पे आ गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ धर्मतल्ला से सीधे डायरेक्ट दीघा। बस में अभी हम लोग बैठ चुके हैं और देख सकते हैं अभी हमारी बस खुली नहीं है, 10 से 20 मिनट में बस खुलने वाली है। तो चलते इधर से दीघा और रास्ते का सिनेमेटिक दिखाते हैं और दीघा में ही मिलते हैं, दिखाते हैं सब कुछ, बने रहना ब्लॉग में। गाइस अभी आधे घंटे बाद अपनी बस खुल चुकी है, देख सकते हो गाइस बस खुल चुकी है, देख सकते हो इधर ये लोग पूरा सो चुके हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ क्योंकि सामान अपना ऊपर ही रखा हुआ है। बस में KBC चल रही है, देख सकते हो, जिस जिसको खेलना हो वो सब पार्टिसिपेट कर ले। लोग को बहुत ही गंदे वाला नींद आया क्योंकि ट्रेन का पूरा सफ़र सब लोग थक चुके हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं और अभी देख सकते हो बस में RRR का गाना बज रहा है, फुल वाइब लेने वाले हम लोग पहुंचने वाले हैं। और इधर इन लोग को देखो, फ़ोन मेरा अभी डिस्चार्ज हो गया तो मजबूरी में गोबर से ब्लॉक करना पड़ रहा है। नाचो नाचो चल रहा है, ये पता है मुझे कॉपीराइट दिलवाएगा, तो पता नहीं ये क्लिप मैं चलाऊँगा या फिर नहीं चलाऊँगा। ये बाहर का व्यू देख सकते हो अभी कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो ओपी, ओ भाई साहब गॉड रिवॉर्ड। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इधर से अब बचा है कितना, ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर बचा हुआ है। तो इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है अभी, अभी दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड बस। ओ भाई साहब वेरी ओपी मैन, जस्ट लुक एट दिस, ओ भाई साहब खुला आसमान सनसेट। आप देखो आप प्रॉपर व्यू आ रहा होगा, आप बहुत ही बढ़िया हो भाई। देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंच पाते हैं, अभी तो फिलहाल टाइम हो गया है 5:25 और ये लोग अभी भी बोर हो चुके हैं पूरा ट्रैवल करते करते, वो पूरा थक चुके हैं एंड बोर भी हो चुके हैं। इतनी छोटी सी जगह में कितनी देर भाई बैठे हुए हैं, पैर फैलाने को भी जगह नहीं है, पैर फैलाने को भी जगह नहीं है। और ये तो पूरा गेमिंग सेटअप बना के रखा है बस में भाई साहब। सो गाइस अभी बस में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं और अभी देख सकते हैं हम लोग ओल्ड दीघा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फोकस नहीं ले रहा बट ओल्ड दीघा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, और लेकिन हम लोग को जाना है न्यू दीघा। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है डिस्टेंस दिख रहा होगा, और ये देख लो बाहर का आप लोग व्यू,
चलते हैं न्यू देगा और होटल वोटल लेते हैं। ये देख सकते हो सामने कितना मस्त सा व्यू आ रहा था, बस का व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो। चलते हैं न्यू देगा एंड होटल लेके फिर आप लोग को दिखाते हैं हम लोग को कौन सा होटल लेते हैं। इधर इधर साइड दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फ़ोन का बैटरी तो मेरा डिस्चार्ज है और इसमें चार्ज वार्ज करने वाला भी नहीं है और पावर बैंक भी हम लोग भूल चुके हैं। चलते हैं अभी फिलहाल न्यू देगा पे। तो गाइज अभी बस से हम लोग उतर चुके हैं और पैर तो एकदम लग रहा है कि जाम हो गया, एकदम चला नहीं जा रहा है, बहुत ही गंदे वाला भाई सीन हो गया यहाँ पे। न्यू देगा में हम लोग उतर गए हैं और आगे बढ़ना, हम लोग को इधर से जाना है आगे, देख सकते हो रात में बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है इधर साइड में पूरा। चलते हैं और देखते हैं हम लोग को होटल कौन सा और कहाँ पे मिलता है बढ़िया होटल जहाँ से पूरा सी व्यू व्यू हो, सब कुछ हो और वहाँ से बीच भी पास हो। तो चल रहे हैं, सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल प्रियदर्शनी में, जो कि इससे पहले हम लोग कोलकाता एक बार आ चुके हैं इधर दीघा में, तो इधर ही रुके थे। तो इधर का हम लोग को सर्विस वर्विस सब बढ़िया लगा था, खाना वाना सब इधर का सही लगा था, तो इसी में हम लोग चलते हैं। ये देख सकते हो होटल प्रियदर्शनी, इसके अंदर अभी चलते हैं और अगर खाली हो तो रूम वूम आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं ऊपर रूम देखने के लिए। अब मेरा खुद यार पूरा पैर में एकदम लग रहा है कि कैंप आ गया। 206 हम लोग को देखना है, जो दो एसी और नॉन एसी दोनों देखने वाले हैं और प्राइसिंग में बाद में बता दूँगी, पहले रूम देख लेते हैं अपना कैसा है। अब यहाँ से थोड़ा बाहर का देख लेते हैं। अरे बाहर से तो कुछ है ही नहीं भाई, आज भर के लिए ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का ये रूम फाइनल हो गया, देख सकते हो ये बेड इधर मिरर टीवी वगैरह। तो अभी जाते हैं हम लोग अपना सब कुछ कर लेते हैं फिक्स। तो इसका प्राइसिंग था शायद 950, तो बाथरूम देख सकते हो। इस ब्लॉग तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का बहुत ही थकाने वाला दिन था जो कि पूरा ट्रैवलिंग में हम लोग का निकल गया। तो मिलते हैं आपसे कल किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो बाय बाय, टाटा सायोनारा।